अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से राम भक्ति में डूबा हुआ है और अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। राम की पैड़ी पर 120 लोगों की टीम ने डमरू के साथ ऐसा समा बांधा कि हर कोई बस देखता ही रह गया। कैसा था ये नजारा, आप भी देखिए। दिव्य भव्य अलौकिक तस्वीर, ये है राम की नगरी अयोध्या, जहाँ राम के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। देखिए किस तरीके से अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। भोपाल से आए हैं डमरू बैंड, यानी क्या कहा जाए कि किस तरीके से यहाँ पर अपने इष्ट देव की आराधना की जा रही है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों शंखनाद की ध्वनि, इससे अपने इष्ट देव की आराधना की जा रही है। आसमान में विजय पताका लहरा रही है और ये है राम की पैड़ी। ये राम की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां डमरू बैंड 120 लोगों की ये पूरी टीम, जिनके हाथों में है ढोल और नगाड़े और इसका शंखनाद लगातार ये कई किलोमीटर से करते आ रहे हैं। और जैसे ही अयोध्या नगरी पहुंचे, पूरी अयोध्या नगरी इनके ढोल और नगाड़ों के गूंज से गुंजायमान नजर आ रही है। आसमान में लहराती है विजय पताका बताने के लिए काफी है कि इस वक्त अयोध्या का ये नजारा, अयोध्या की ये अलौकिकता क्या कह रही है। और यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का जन जन सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहा है, उद्घोष कर रहा है। देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको नजर आ जाएगी दुल्हन सी सजी अयोध्या, जहाँ पधारने वाले हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम इतने सरल हैं, उनका व्यक्तित्व इतना सरल है कि वो सबके हो जाते हैं। राम बेहद कोमल हैं, राम सबके हैं, राम राज, राम तू, राम मैं, राम सबके हैं। और ये यहाँ पर नजर आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली ये अयोध्या, जहाँ दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देवता की आराधना करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देवता की एक झलक पाने के लिए। वो 5 साल का रामलला की तस्वीर जब उभरेगी तो सोचिए क्या नजारा होगा। 12:20 का वो समय बहुत ज्यादा बेसब्री से, जिसका पूरे अयोध्या को ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को इंतजार है। और डमरू बैंड का ये अलौकिक प्रस्तुति यही कह रही है जय श्री राम। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, अयोध्या न्यूज 24।